हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लिपर सर्किट एंड क्लैंपर सर्किट के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो क्लिपर सर्किट और क्लैंपर सर्किट है, दोनों डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम में एक बार इसका डिफरेंस पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेंगे। अब ये क्लिपर सर्किट है, इसे हम क्लिपिंग सर्किट भी बोल सकते हैं और ये क्लैंपर सर्किट को हम क्लैंपिंग सर्किट भी बोल सकते हैं। दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पैरामीटर आपको देखने पड़ेंगे। ये पैरामीटर के बेस पे आप डिफरेंशिएट करोगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? फर्स्ट पैरामीटर ले लिया डायग्राम। अब क्लिपर में क्या होता था कि ऐसा वेव इनपुट था हमारा एसी का, उसमें से हम क्या करते थे, जो भी अनवांटेड हमारे वेव फॉर्म है उसे हम स्लाइस कर देते थे, क्लिप कर देते थे, रिमूव कर देते थे। तो ऐसा कुछ डायग्राम हमें आउटपुट पे मिलता था। अब क्लैंपर सर्किट क्या करते थे, वापस से इनपुट में ये सिग्नल देते थे। तो क्लैंपर सर्किट ये जो वेव फॉर्म है उसका डीसी लेवल शिफ्ट कर देते थे। तो डीसी लेवल शिफ्ट हो गया। तो फर्स्ट डिफरेंस क्लियर। सेकंड में जाते हैं, डेफिनेशन इसका। इसका डेफिनेशन क्या था, अभी हमने बोला वो रिमूव द अनवांटेड वेव फॉर्म एट आउटपुट वोल्टेज। ये अनवांटेड वेव फॉर्म थे वो निकाल दिए। और इसका डेफिनेशन क्या होगा क्लैंपर का, तो शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। ये डीसी लेवल ऊपर ले गया या नीचे ले जाएगा आउटपुट वोल्टेज का। थर्ड पैरामीटर देख लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे इनपुट में कितना दिया है, V दिया है। आउटपुट में कितना मिलेगा, V से कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे V है, ये V से कम हो गया। तो लिखा है लेस देन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज से कम मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, इसकी बात करें तो इनपुट वोल्टेज में V दिया है, डीसी लेवल शिफ्ट हुआ, यानी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी लिखा है मल्टीप्लाई दी इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, 2V जितना कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट। अब इसके अंदर हमने कौन से कंपोनेंट यूज किए थे, दो कंपोनेंट यूज किए थे, एक तो डायोड जो कि एनर्जी स्टोर नहीं करता और दूसरा रेजिस्टर, वो भी एनर्जी स्टोर नहीं करता। यानी यहाँ पे एनर्जी स्टोर कंपोनेंट कोई भी नहीं है, निल है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, तीन डिवाइस यूज करे थे, डायोड यूज किया था, रजिस्टर यूज किया था और कैपेसिटर यूज किया था। तो कैपेसिटर एज अ एनर्जी स्टोर डिवाइस हमने यहाँ पे यूज किया था। नेक्स्ट है शेप ऑफ द वेव आउटपुट। यानी यहाँ पे जो आउटपुट पे हमें वेव मिल रहा है उसका शेप इनपुट के कंपेयर में बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है, क्यों, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो आउटपुट वेव फॉर्म का शेप चेंज होता है। तो शेप चेंज यहाँ पे क्या होगा, शेप चेंज होगा, नहीं, शेप तो सेम रहेगा लेकिन डीसी लेवल शिफ्ट हो जाएगा, तो शेप रिमेन्स सेम। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं पैरामीटर डीसी लेवल की बात करें तो इसमें डीसी लेवल चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड पार्ट जो हमारे वेव फॉर्म है वही निकल रहे हैं। यानी डीसी लेवल रिमेन्स सेम रह रहे हैं और यहाँ पे डीसी लेवल शिफ्ट हो रहा है, तो गेट शिफ्टेड। ठीक है, अच्छा लास्ट देख लेते हैं एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होते हैं। क्लिपर सर्किट तो लिखा है ट्रांसमीटर में यूज होते हैं, रिसीवर में यूज होते हैं, नॉइस लिमिटर में यूज होते हैं। यानी कि नॉइस इतना है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लिपर सर्किट यूज कर दिया, नॉइस लिमिट हो गया, कम हो गया। और इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं क्लैंपर के, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइंग सर्किट में यूज होता है, जहां भी ज्यादा वोल्टेज की जरूरत हो, बढ़ाना हो, तब ये क्लैंपर सर्किट का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे डीसी लेवल शिफ्ट हो जाता है और आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। सोनार सिस्टम में यूज होता है, रडार सिस्टम में यूज होता है, एक्सेट्रा। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।